Hello students, a warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Today we are continuing our chapter number 3, Geography, Power and Mineral Resources. This is our lecture number 18 and today we are going to start non-conventional sources. In my previous lecture, I told you about the conventional sources of resources, that are wood and coyla, and in this lecture we are discuss about the non-conventional sources. अगर कन्वेंशनल की अगर बात करें तो हमारे वो रिसोर्सेज थे जो हमारी सभ्यता के साथ साथ हमने स्टार्ट किए थे. अब आप सभी को पता है जब हम लोग वुड को जलाते हैं तो उससे हमारा जो है एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है. ठीक है, कोयला है, ठीक है, कोल है. अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ करें, और एनवायरनमेंट सेव करने के साथ साथ जितने भी पावर रिसोर्सेज या पावर सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. यहाँ पर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे अबाउट द सोलर एनर्जी. आजकल सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, घरों में भी इवन जो है सोलर प्लेट लगानी शुरू कर दी है, जो सोलर पैनल हैं आपके. फिर विंड एनर्जी हमारे पास एक अनदर रिसोर्सेज हैं. दूसरा, ये ना पोल्यूशन नहीं फैलाते, इम्पोर्टेंट है, और इनकी जो क्वांटिटी है वो अबंडेंट है, वो अवेलेबल है भरपूर मात्रा में. फिर हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, फिर बायोफ्यूल है, बायोगैस एनर्जी है. तो ये ऐसे ही रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कन्वेंशनल के बाद नॉन कन्वेंशनल को ढूंढना पड़ा ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे. दूसरा, वो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. ऑब्वियसली अगर लकड़ी को जलाना है तो हमें ट्रीज़ को काटना पड़ेगा और इसका इफेक्ट आएगा हमारे एटमोसफियर पर. इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल लेड टू शॉर्टेज. इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ द कंजप्शन कंटिन्यू, द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जूटेड. दैट मीन्स ये ख़त्म हो जाएंगे. लगातार एक चीज़ को इतना यूज़ किया जाएगा, भाई कोई चीज़ बनने में टाइम लग रहा है हज़ारों साल, हज़ारों साल लग गई, लेकिन उसको कंज्यूम करने में हमें कितना टाइम लग रहा है. सपोज करो जो बात हम कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, हमने अपनी स्कूटी बाइक या गाड़ी में डाला और हमने एक जर्नी स्टार्ट की, तो फ्यूल जल्दी से आपका कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इसी को बनने में कितना लंबा टाइम लग रहा है. तो ये कंपैरिजन जब किया जाता है तो हमें पता चलता है कि किस तरह से इनकी फ्यूचर में कमी होने वाली है. Their uses also cause environment pollutions. Therefore, there is a need for using conventional sources such as solar energy, non-conventional. My dear student, लगातार इनका जो use किया जा रहा है तो obviously ये time के साथ साथ ख़त्म होंगे. और हो सकता है कि suppose करो मैं जिस generation में हूँ या आप जिस generation में हो, आपकी next to next जो generation आए उनके लिए diesel petrol available ही ना हो, कोयला उन्हें मिले ही ना, क्योंकि हम इतना तेज़ी से उसको use कर रहे हैं. Actually में आजकल society क्या है, स्टेटस सिंबल हो गई है. हमारा स्टेटस कब है, जब हमारे पास अच्छी कार है, गाड़ी है. इसके साथ साथ अगर छोटी कार है तो हम चाहेंगे बड़ी हो, डेवलपमेंट हमारी हम तभी मानते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे रिसोर्सेज पर आ रहा है. इसीलिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं. आपको नहीं पता होगा शायद, अब नए जो है रास्ते खोले जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाली गाड़ियां ले आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिसिटी पहले कोयला से बनती थी, अब हम कहाँ से बनाते, पानी से भी हम उसको बना रहे हैं. सोलर सिस्टम, ये सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि जो सूरज की रोशनी आ रही है उसके थ्रू भी हम इसको फ्रेम कर सकें. सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, भाई हवा तो ब्लो करती है, नेचुरल है, तो अनलिमिटेड है अगर हम इसको यूज़ कर सके और इससे फ्रेम कर सके. फिर टाइडल एनर्जी है. ऑब्वियसली जो टाइडल एनर्जी है, जब आपका ज्वार भाटा या टाइड्स आएंगे तो वाटर जो है मूव करेगा, और हाईली मूव करेगा तो एनर्जी का सोर्स है, विच आर रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स दैट मीन्स इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करने के बाद ये फिनिश हो गए हैं, इनको बार बार रीयूज़ आप लोग कर सकते हैं. जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा, सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में. एक्चुअली में इट इज़ अ सोलर रेडिएशन. आपने वर्ड भी सुना होगा इंसुलेशन साइंस के अंदर. इंसुलेशन मींस क्या होता है, वो एनर्जी
जो हमारी अर्थ का सरफेस जो है रिसीव करता है आपके सूर्य से, दैट मीन्स जितनी एनर्जी उसने कैप्चर की या जमीन पर आई, इट इज कॉल्ड द इंसुलेशन। और यही इंसुलेशन जो एनर्जी है हम इससे फ्रेम कर सकते हैं, इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और पावर रिसोर्स के रूप में इसको यूज किया जा सकता है इजीली। और ये पोल्यूशन फ्री जो है सोर्स भी है हमारे लिए, दूसरा अबंडेंटली अवेलेबल भी है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन यूज इन द सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी से क्या होते हैं, जब सूर्य की जो रोशनी आती है वो चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के बाद हम उनको इजीली यूज कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू द सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग। इससे हीट के लिए भी जनरेट करते हैं एनर्जी एज वेल एज लाइटिंग। माय डियर स्टूडेंट, आप अगर सिटीज़ में रहते हैं तो आपने आजकल एक नया जो ट्रेंड देखा होगा कि जो आपके बिजली के पोल लगे होते हैं उस पर एक छोटी सी प्लेट आपको दिखाई देगी, जो है आपकी सोलर प्लेट लगा दी जाती है और साथ में नीचे लाइट होती है। दैट मीन्स पूरा दिन जब सूर्य की रोशनी उस प्लेट पे गिरेगी तो वो चार्ज होगी और रात भर जो है लाइट आपकी स्ट्रीट पर जलती रहेगी। तो इस तरह के जो ऑप्शन है या सोर्सेस हैं ये हमारी आज की रिक्वायरमेंट हैं। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन अ सोलर हीटर में इसको यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर। एक्चुअली में हमारे टाइम में क्या होता था, अब स्कूलों में इस तरह की चीज़ें इंस्ट्रूमेंट कम होंगे, नहीं तो सोलर कूलर का जो सोलर जो कुकर हैं और साथ में सोलर कूलर भी आया करते थे, जिनको हमारे टीचर दिखाते थे कि किस तरह से वो धूप में चार्ज होते। और मुझे आज भी याद है कि सोलर कुकर हमारे स्कूल में था और हमने उसी के अंदर जो है आपके राइस जो है बॉयल करके देखे थे कि किस तरह से वो वर्क करता है। इट्स रियली अमेजिंग। अमेजिंग था कि बिना एनर्जी के हमने उसको रखा और उसमें इजीली वो कुक हो गई। सोलर ड्रायर बनते हैं, ये भी चार्ज होते हैं सेल्स के थ्रू, बीइंग यूज फॉर द कम्युनिटी लाइटिंग्स एंड द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पर इनको यूज किया जाता है। इसमें आपकी एनर्जी भी सेफ हो जाती है, दूसरा आपके जो है स्ट्रीट है वहाँ पर रोशनी भी आ जाती है। सी आई थिंक सभी बच्चे इसको देख रहे होंगे, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि इस तरह की प्लेट घरों में देखने को आपको मिलते होंगे। सोलर पैनल हर घर में मिलेगा, हर गवर्नमेंटल ऑफिस में मिलेगा, उसके साथ साथ आपके हॉस्पिटल्स में, हर जगह इस तरह के पैनल लगा दिए गए हैं। क्या रीज़न है एक्चुअली में ये पैनल लगाने का, मेन रीज़न क्या है कि हम जो सूर्य की एनर्जी है उसका वेल यूटिलाइज कर सकें और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम अदर सोर्सेज देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, लेकिन अगर हम ये सोलर पैनल लगाते हैं तो ईजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती रहती है और हम इससे हाउस होल्ड एज वेल एज जो हमारे ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह जो है एनर्जी को बचा सकते हैं इनको लगाकर। दूसरा एक चीज़ इसमें है कि मोस्टली जो स्टेट है उन स्टेट की गवर्नमेंट इनको लगाने पर सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आपको ये कंसेप्ट भी पता होगा, सब्सिडी वैसे क्या होती है, नहीं पता है तो बता देते हैं आपको। सब्सिडी वो है जो गवर्नमेंट हेल्प करती है कुछ ना कुछ बेनिफिट। सपोज करो खर्चा आपका 1 लाख आया और गवर्नमेंट ने बोला 50% हम देंगे सब्सिडी, दैट मीन्स 50,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आएंगे, इट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। ठीक है, और ये लगाने पर गवर्नमेंट इसीलिए दे रही है क्योंकि हम लोग एनर्जी के दूसरे, दैट मीन्स जो हमारे लिए अबंडेंटली सोर्स अवेलेबल है उसका यूज़ करें और हम सेव कर सकें या प्रिजर्व कर सकें उस एनर्जी को जो बहुत महंगी हमें पड़ती है। विंड एनर्जी, देखो वैसे विंड क्या है, मूविंग एयर को आप लोग क्या कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। भाई हवा जब बहती है, मूविंग एयर जो है वो हमारे लिए क्या है, विंड है। और जब तेजी से बहती है तो ऑब्वियसली हमने पहले भी किया है कि आपकी जो एयर होती है, एयर एग्जर्ट प्रेशर,
एयर के अंदर हमेशा प्रेशर होता है। अब मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी जो विंड है वो ब्लो कर रही है तो ऑब्वियसली मेरी जो स्पीड होगी वो तेज होगी। सेम एज आपने मैथ्स में भी क्वेश्चंस किए होंगे जो स्टीमर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर बहाव उसी डायरेक्शन में हो लहरों का तो फ्यूल सेविंग होती है। इसी तरह ये जो मूविंग एयर है इसमें एक एनर्जी होती है, एक प्रेशर होता है। जब ये हमें पुशअप कर सकती है तो ऑब्वियसली इस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। इन एग्जूटेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। अब तो देखो बहुत कम होता है स्कूलों में, लेकिन हमें याद है हमारे टाइम में ना जो साइंस का जो प्रोजेक्ट होता था यही होता था कि विंड मिल या ये विंड ग्राइंडिंग होते थे, विंड की जो चक्की होती थी वो ही बना के लेके जाते थे हम, तो ये हमारा प्रोजेक्ट होता था। आजकल बच्चे शायद इसको बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है ग्राइंडिंग के लिए, पिसाई के लिए टीचर हमें ये बताती थी कि किस तरह से जो है आपकी विंड काम करती है। इन एग्जूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन एग्जूटेबल है दैट मीन्स लगातार अवेलेबल हो सकता है, हर जगह मिलता है, क्योंकि विंड हर जगह मूव करती है आपकी अर्थ पर, इसीलिए इनएग्जिटेबल है। विंड मिल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज पीसे जा सकते हैं, एंड लिफ्टिंग वाटर। हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी हमने। विंड फार्म्स आर फाउंड इन, और इसकी शुरुआत सबसे पहले नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन ने स्टार्ट की। उसके बाद अदर कंट्रीज ने भी अपने यहाँ पर जो है विंड फार्म को लगाया है, जहाँ पर जो है रीजनरेट की जाती है, जनरेट की जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी विंड के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा न्यूक्लियर पावर। मूवीज़ में भी देखा है न्यूक्लियर, मुझे याद है द हीरो मूवी थी उसमें बड़ा इसका रोल था, और उसी कंसेप्ट पे काफ़ी मूवी बनी थी, क्योंकि आई थिंक ये जो आपके एटम बॉम्ब हैं उनमें यूज़ होती है, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने में यूज़ होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक न्यू कंसेप्ट है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। एक्चुअली में इट इज़ यूज़ फॉर एटम्स, जो आपके एटम हैं उनमें यूज़ किया जाता है। आपने साइंस में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। ऑब्टेंड फ्रॉम, प्राप्त करते हैं इसको हम, एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम ऑफ नेचुरली, जो नेचुरली एनर्जी है। एक्चुअली में ये यूरेनियम और थोरियम आपने पढ़ा होगा, यूरेनियम और थोरियम से हमें मिलती है, और यूरेनियम और थोरियम में जो है फीजन किया जाता है तो उस टाइम पर रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलता है उसी से हमें ये एनर्जी मिलती है। लाइक यूरेनियम थोरियम्स एंड अंडरगो न्यूक्लियर फीजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर, और ये उत्पादन करती है, देती है पावर को जब फीजन होता है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर देखो महंगी है ये चीज़, और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका डेवलप्ड कंट्री कर रही हैं, और यूएसए अगर देखें और यूरोप में ज़्यादातर कंट्री आपकी डेवलप कंट्री हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ की कंट्रीज़ ज़्यादा आपकी डेवलप्ड हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया, अब इंडिया की अगर बात करें क्या इंडिया में भी यूरेनियम मिलता है? यस ऑफ कोर्स, राजस्थान उसके बाद झारखंड दो ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर इंडिया में यूरेनियम अवेलेबल है। थोरियम फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, थोरियम हमारा कहाँ मिलता है? केरला के अंदर मिलता है, और ये एक स्पेशल सैंड होता है, ये है मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड से थोरियम आपको मिलता है। अगर इंडिया के कंट्रास्ट में क्वेश्चन आता है तो यूरेनियम का क्वेश्चन हमेशा कोरिलेट करता है राजस्थान और झारखंड, और अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए थोरियम के लिए तो ये केरला में अवेलेबल है, और केरला में एक स्पेशल टाइप का जो सैंड है जहाँ से हमें थोरियम मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, अगर इंडिया के हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो कलपक्कम इन तमिलनाडु, आपने कलपक्कम का नाम सुना होगा,
कल्पक्कम फेमस है, उसके बाद तारापुर। तारापुर का नाम तो मैप्स में फिल करने के लिए भी काफ़ी बार आता है, तारापुर इन महाराष्ट्र। फिर है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आपका नियर है कोटा, राजस्थान। वैसे राजस्थान ना फेमस प्लेस है इस चीज़ के लिए। उसके बाद नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कोयगा इन कर्नाटका, ये हैं हमारे जहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में लगाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो यहाँ पर डिस्कस हमें करना है, जियोथर्मल एनर्जी। देखो जियो नाम से ही पता है आपका ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है रिलेटेड है आपका ज्योग्राफी आपकी अर्थ से, अर्थ क्या जो भी है अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हम जियो के अंदर करते हैं, तो ऑब्वियसली जियो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी मिलेगी जियोथर्मल एनर्जी कहलाएगी। आपने हमने आपको पहले भी डिस्कस कराया है, इवन डिस्कस क्लास में हम करते रहते हैं कि हमारी जो अर्थ है अगर हम अर्थ को नीचे से काट के देखें तो उसमें अलग अलग लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर हमारी क्रस्ट, उसके बाद हमारी मेंटल है, मेंटल के बाद जो हमारी लेयर है वो है कोर है। अब क्रस्ट मेंटल कोर ये जो लेयर्स हैं इनमें टेम्परेचर, अगर क्रस्ट की बात करें ये हमारा लिथोस्फेरिक एरिया है या जो है आपका रॉक की सरफेस जो है इसी के अंदर है। मेंटल में आपका मैग्मा है और मैग्मा में आप मेंटल जो लेयर है इसमें मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर, और मैग्मा जो है इसके अंदर क्या है मेल्टेड आपके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जो आपकी मेटल्स हैं आपके रॉक्स हैं वे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अर्थ के कोर की अगर बात करें तो यहाँ तो 5000 का डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इसको कंपैरिजन आप अगर इसका सन से करोगे तो सन का जो टेम्परेचर है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस सूर्य के पास जाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इतनी दूरी पर अगर धूप में हमें खड़ा कर दिया जाता है तो हम पक जाते हैं। तो टेम्परेचर देखो अर्थ में भी इतना ही है। मेंटल का अगर टेम्परेचर यहाँ पर डिस्कस करें तो 2900 डिग्री सेल्सियस है, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 100 डिग्री पर तो पानी उबलना शुरू कर देता है, यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जियोथर्मल एनर्जी हमें अर्थ के इंटीरियर से ही मिलती है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी एनर्जी है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडली विद द डिप्थ हेट। भाई एक नॉर्मल सी बात है, जितना हम गहराई में जाते हैं, क्रस्ट की बात करें टेम्परेचर कम है, मेंटल में आए टेम्परेचर बढ़ा, कोर के अंदर गए टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया, तो ये जो हीट और एनर्जी है जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर या अर्थ के इंटीरियर में आप कंटिन्यू उसकी गहराइयों में जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर है ऑब्वियसली इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी में सरफेस इट्सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार आपने गर्म झरनों के बारे में सुना होगा। यस डियर स्टूडेंट, जो हॉट स्प्रिंग है गर्म पानी के झरने हमारी ज़मीन के अंदर से जगह जगह, कई बार आपने वर्ल्ड में अगर ऐसी चीज़ें ना आप नेट पे अगर सर्च करो तो आपको अच्छे जो है फैक्ट इससे रिलेटेड मिल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके जो हॉट स्प्रिंग हैं, गर्म पानी का झरना निकलता है, उबलता हुआ पानी ज़मीन के अंदर से है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट पावर एंड इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन में, और इसी से हम क्या कर सकते हैं कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग, यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन USA, सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड में बात करें जियोथर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा अभी तक USA में है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर इस तरह के जियोथर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे आपको। जियोथर्मल प्लांट्स इन इंडिया, अभी हमने वर्ल्ड की बात की तो हमें ऑब्वियसली इंडिया किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। मैं कोई भी आपको चैप्टर कराती हूँ या कोई भी टॉपिक होता है तो चाहे इंडिया में उस इंडिया ने उसको 5% ही क्यों ना टच किया हो, सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है। इसीलिए इंडिया एक वास्ट, अगर हम देखें एक डाइवर्स कंट्री है, हर चीज़ें हैं यहाँ पर। जियोथर्मल प्लांट इन इंडिया लोकेटेड इन
मणिकरण इन हिमाचल। मणिकरण जगह सुना होगा आपने, मणिकर्णिका की मूवी शायद बनी थी, उसकी शायद शूटिंग भी उसी तरफ हुई थी हिमाचल में। जियोथर्मल प्लांट इन इंडिया लोकेट इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली। पुग्गा वैली जो है लद्दाख में है। कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है, वेयर इज पुग्गा वैली सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख। और लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लद्दाख। और लद्दाख की अगर हाइट की बात करें तो सी लेवल से 6000 अबव है, समुंदर के तल से 6000 ऊंचाई पर है। जहां पर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपकी 8848 किलोमीटर है, वहीं पर मीटर, तो वहीं पर इसकी हाइट 6000 मीटर है आपके जो सी लेवल है उससे, तो काफ़ी हाइट पर है, कोल्ड डेजर्ट्स है। और पुग्गा वैली वहीं पर मिलती है। इसी पुग्गा वैली में जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया है इंडिया का, एज वेल एज इन मणिकरण इन हिमाचल। मणिकरण जगह भी काफ़ी फेमस है हिमाचल की। नेक्स्ट जो हम एनर्जी का सोर्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इट इज़ द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी या टाइड्स, हिंदी में इसको ज्वार भाटा कहा जाता है, ज्वार भाटा यही वर्ड शायद यूज होता है। एक्चुअली में वेव्स उठती है लहर, देखो समुंदर में वेव्स उठती भी हैं और गिरती भी हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये वेव्स बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उठती है और गिरती है, जिस टाइम ये इसकी जो मेज़रमेंट है 15 मीटर से अबव हो जाए किसी भी वेव्स की, तो ऑब्वियसली वो क्या चली जाएगी, टाइड्स के अंदर चली जाएगी। और टाइड्स आने का रीज़न क्या है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। हमारे जो ओशंस हैं उसमें हमेशा जो पानी है मूवमेंट में रहता है, कभी भी अगर हम बात करें ना वाटर स्टिल होता ही नहीं है। अगर रिवर की बात करें तो पानी शांत दिखाई देगा, लेकिन अगर सेवन ओशंस की बात करें तो पानी हमेशा मूवमेंट में, आपका वाटर मूवमेंट में है। इसका रीज़न भी है, हमारी अर्थ कंटिन्यू क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वाटर ही तो है भाई, वाटर तो मूव करेगा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स कैन बी हांस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड्स। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इतना नया नहीं है। अगर हम उसकी बात करें तो बिजली, पानी से बिजली तो हम काफ़ी टाइम से बनाते हैं, लेकिन जब देखा कि टाइड्स आता है, अच्छा एक फैक्ट यहाँ पर भी है, वन डे में टाइड सिर्फ टू टाइम्स आ सकता है, टू टाइम्स जो है टाइड आ सकता है एक दिन में, क्योंकि जब एक टाइड आता है और नेक्स्ट टाइड आने में ड्यूरेशन जो होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है 12 आवर्स का होता है, तो एक दिन में दो से ज़्यादा टाइड्स नहीं आ सकते। लेकिन ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये दो ही आए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का आपके लिए जो है सोर्स हैं यहाँ पर, ये आपकी सेव करेंगे या सेव करेंगे जो एनर्जी है, आपके जनरेटर लगा दिए जाते हैं। वो आपने, आपको याद होगा कि साइंस में भी आपने किया होगा कि किस तरह से हाइडल पावर का निर्माण किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं, डैम्स में पानी भरा जाता है, फिर पाइप के थ्रू पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और नीचे जो टर्बाइन लगे हुए होते हैं उन टर्बाइन में जब आपका फैन मूव करता है, फैन मूव के साथ जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती चली जाती है। एनर्जी ऑफ टाइड इज़ द यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म्स, रशिया सबसे ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी रशिया के अंदर, फ्रांस, फिर गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है, इंडिया में है। और हमारे इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि हाइडल या टाइडियल एनर्जी का सबसे मेन अच्छा सोर्स क्या है, गुल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका बायोगैस है। बायोगैस का भी कंसेप्ट देखो अभी तो बहुत कम है, लेकिन मुझे याद है हमारे जो दादाजी थे वो बताते थे कि
जो आपका काउ डंग होता था या बफेलो डंग होता था उसको पानी के साथ मिक्स करके पूरा एक घर में ना होल करके एक कुआ सा बनाया जाता था, एक वेल, और जिसके अंदर उसे डाल दिया जाता था। उससे जो गैस रिलीज होती थी वो ऊपर वाले हिस्से में आती थी, जो आपकी ये डोम शेप यहाँ पर दिखाई गई है, इस डोम शेप के अंदर ये गैस आ जाती थी और यहीं से पाइप लगाकर घरों में इससे कुकिंग का काम किया जाता था और लाइटनिंग का काम किया जाता था। अब जो मटेरियल, जो अवशेष बचता था उसको फार्म में यूज़ किया जाता था, खेतों में मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता था। तो बायोगैस भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर एनिमल आसपास हैं तो इस तरह के मटेरियल आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंग्स एंड द किचन वेस्ट, सभी इसमें यूज़ किया जा सकता है। कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड द बायोगैस, और जब इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट इन डीकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर्स विल एमिट बायोगैस, अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें जो मेनली जलाने के लिए गैस मिलती है वो आपको मीथेन मिलती है, और साथ में रिलीज करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को। इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटिंग, प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। इसको आप यूज़ कहाँ करोगे? ऑर्गेनिक मैन्योर को फील्ड में ईच ईयर, एंड हार्नेशिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। देखो, हालांकि ये कहते हैं ये डिफ़िकल्ट भी है और कॉस्टली भी है, कॉस्टली है, लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम बायोगैस की बात करें। घरों में सभी को पता है अगर एनिमल आप लोग रख रहे हो तो वहाँ पर इस तरह का मटेरियल होगा, उसका निपटान भी अच्छे से होगा और घरों में इससे एनर्जी भी यूज़ हो जाएगी, तो ये ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में भी आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, आपको भी पता लग गया होगा। हमने आज जो किए हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज किए थे, जबकि हमारा इससे पहले या प्रीवियस जो लेक्चर था वो कन्वेंशनल सोर्सेज का था, उसमें वुड और कोयला को मैंने आपको कराया था, वो भी अच्छे सोर्स थे, लेकिन फ्यूचर में पुराने सोर्सेज से नए सोर्सेज की तरफ जाना, देखो ह्यूमन बीइंग है, एक चीज़ ख़त्म होने की कगार पर होगी ना, वो कोई नया ऑप्शन ढूंढ लेगा कि इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके, और साथ में जो हम पीसफुली जो लाइफ को काट रहे हैं, हम जो गैजेट यूज़ कर रहे हैं उन गैजेट को हम यूज़ करते रहे, इसके लिए नए नए ऑप्शंस हमारे साथ जो है हमारे सामने हम ढूंढते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स, दैट्स वाई यू कंटिन्यू रिसीव आवर न्यू वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।